नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई शनिवार सुबह 11:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली के मतदाताओं से अपने भाई एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिताने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी कहती हैं कि गांधी परिवार दिल्ली में नहीं रायबरेली में पूरा होता है। श्री गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के मौके पर अपनी मां तथा रायबरेली क्षेत्र का 2.5 दशक तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के साथ प्रियंका यहां पहुंची। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को शुक्रवार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सिसोदिया के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को मुकर्रर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सिसोदिया की ओर से जिरह करते हुए कहा कि निचली अदालत के पहले के आदेश में उनके मुवक्किल को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी गई थी, जिसे जारी रखा जाना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। बेंच ने कहा कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या ना देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। राजस्थान में अजमेर स्थित राज्य के एकमात्र उच्च सुरक्षा कारागृह में शुक्रवार को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 जेल प्रहरियों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ये कार्यवाही जयपुर कमिश्नरेट के आदेश पर की गई बताई जा रही है। जयपुर पुलिस के पास जानकारी मिली कि जेल में बंद गैंगस्टर विभिन्न नामों से जयपुर के व्यापारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं और इसमें मोबाइल आदि उपलब्ध कराने में जेल प्रहरियों की भूमिका है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मतदान के दिन लू चलने की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा के लिए हितधारकों की एक उच्च स्तरीय बैठक की। सीईओ ने बैठक के दौरान संबंधित हितधारकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि मतदान के दिन वोट डालते समय किसी भी मतदाता को लू की स्थिति के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि महराड़ा ने शुक्रवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर महराड़ा का स्वागत किया। इस अवसर पर ब्यूरो के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद महराड़ा ने ब्यूरो टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में सभी को पूरी टीम भावना से आमजन के हित के कार्य करने के लिए ब्यूरो के सूचना तंत्र को मजबूत करना है और टोल फ्री नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है, जिससे आमजन का विश्वास मजबूत हो और वे सुगमता से ब्यूरो में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें कर सकें। राजस्थान में संचालित शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सवाई माधोपुर में कार्यवाही देखने को मिल रही है। अभियान के तहत सवाई माधोपुर में चांदनी एंटरप्राइजेस खेरदा सवाई माधोपुर से रेडी टू सर्व फूड बेवरेज फ्रेश मैंगो ड्रिंक, जिसमें फ्रूट पल्प 20% का डिक्लेरेशन लिखा हुआ था, देखने पर उसमें 1% फ्रूट पल्प प्रतीत नहीं हो रहा था। ऐसे में 400 लीटर फ्रेश मैंगो ड्रिंक को सीज किया गया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर की सड़क परीक्षण के तौर पर आम लोगों की आवाजाही के लिए खोलने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री पर खतरे का दावा करने वाली याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है। राजस्थान के बाड़मेर में धनाऊ थाना क्षेत्र के बिसारनिया गांव से गुरुवार को एक युवक का अपहरण करने के मामले में पुलिस एवं डीएसटी ने त्वरित कार्रवाई कर मात्र 5 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपहरित युवक को रिहा करवाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे बिसारनिया गाँव में एक दुकान के आगे से तरड़ों का तला के श्रीराम उर्फ सुरेश कुमार जाट को आरोपी टीकू राम जाट एवं 2 अन्य कार से अगवा करके ले गए। इसके बाद जिले में नाकाबंदी कराई गई और पुलिस टीम द्वारा सूचना एवं तकनीकी सहायता से लगातार आरोपियों को पीछा किया। जोधपुर शहर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए नियमों की वजह से व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर मरुधरा टैक्स बार के अध्यक्ष पीएम चोपड़ा ने सीएम भजन लाल
और प्रमुख वित्त सचिव स्टेट जीएसटी के मुख्य आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सरलीकरण की मांग की गई है। पीएम चोपड़ा ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को दो दो माह तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं उसमें कभी लिखा जाता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी लैंडलॉर्ड के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। भरतपुर शहर में 25 अप्रैल से नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने गोलबाग रोड, मानसिंह सर्किल, कन्नी गुर्जर चौराहे होते हुए वी नारायण गेट पहुंची। नगर निगम की टीम दुकानों के बाहर लगी टीन, सड़क पर रखे होर्डिंग सहित कई तरह के सामान को जब्त कर लिया गया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले ही अयोग्य अभ्यर्थियों से अपना नाम वापस लेने की अपील की थी। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया गया था। इसके बाद से राजस्थान में होने वाली 10 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले ही 7 दिन में 6,500 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही सीकर में अब पानी सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। शहर के कई वार्डों में तो हालात ये हैं कि एक दो दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होती है और वो भी कुछ मिनट के लिए। इसी को लेकर सीकर के वार्ड नंबर 41 और 34 के निवासियों ने पर्याप्त सप्लाई की मांग करते हुए PHED ऑफिस अधिकारियों से मुलाकात की। भले ही केंद्र व राज्य सरकार MSP के जरिए किसानों को उनकी उपज को उचित दाम देने के दावे करती हो, लेकिन खरीद केंद्र पर किसानों की मेहनत पर सरेआम डाका डाला जा रहा है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लालसोट में श्यामपुरा कला रोड स्थित लालसोट क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर राजफेड द्वारा इन दिनों सरसों की खरीद की जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसान जब केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो वहां प्रति बैग 50 किलो के बजाय 51 किलो 200 ग्राम सरसों की तुलाई की जा रही है। इसमें बारदाने का 989 ग्राम भी शामिल है। इसके चलते प्रति बैग करीब 200 ग्राम से अधिक सरसों किसानों से ली जा रही है, जो कि किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। टोंक जिले में अधिकतम तापमान 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 39 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। कल 38 डिग्री सेल्सियस था। जिले में बढ़ रही गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। CMHO डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि गर्मी व लू तापघात होने से चपेट में आ सकते हैं, खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने गर्मी के मौसम में समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।